दोस्तों, ये है मेरे पास एक्सल 100 हैवी ड्यूटी और ये गाड़ी गिर गई है। तो इसका जो आप पहिया देख पा रहे होंगे, ये पहिया एक साइड को घूम गया है, मतलब ये पहिया जो है टेढ़ा हो गया, इसकी अलाइनमेंट आउट हो गई है। और आगे आप इसकी हेडलाइट देखें और इसका जो हैंडल है वो उसकी बिल्कुल अलाइनमेंट सही है और ये पहिया इधर को हो गया है। तो इसको कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा और बगैर खोले ही कैसे आप कर पाएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। ये गिर गई है और ये आप देख पा रहे होंगे मिट्टी वगैरह लगी हुई है, ये देखिए, और ये रबड़ वगैरह टूट गई है इसकी। तो आपको मैं दोबारा इसकी जो है ये दिखा देता हूँ। उसका हैंडल आप देखें और लाइट देखें, बिल्कुल सही है। और इसका पहिया है बहुत इधर को घूम गया है। तो इसको कैसे सही करना है तो चलिए आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाले जो इसके बोल्ट हैं तो ये हमने ढीले कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको सीधा करके दिखा देता हूँ। आपको ये चीज़ देखिए, चलिए देखिए, आपको पहिए में चोट मारनी है। अब देखिए पूरा हैंडल सीधा हो गया है। अभी हल्की सी आपको चोट एक बार और मारनी है। हाँ, मारो, बस करो सीधा, बिल्कुल सही हो गया है। आप उसकी अलाइनमेंट देख पा रहे होंगे, व्हील की और हेडलाइट की और हैंडल की, तीनों की अलाइनमेंट जो है बिल्कुल सही हो गई है। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से करना है। और बहुत से लोग डर जाते हैं कि इसमें पता नहीं क्या हो गया या कितने पैसे लगेंगे, इसकी टेढ़ी हो गई या हैंडल टेढ़ा हो गया। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं सही, और कोई ये मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।